आपको पता ही होगा पिछले राउंड में हमारी जो बम्पर वाली साइड थी वो टूट गई थी, तो उसको भी डलवाना है इस राउंड में। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, मेरा नाम विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रकिंग व्लॉग में। आप देखो हमारे ट्रक की हालत क्या हो चुकी है यार, पूरी स्नो पड़ी है ना, पर स्नो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, पूरी सॉफ्ट स्नो है पूरी। हाँ देखो बहुत ही ज़्यादा नार सॉफ्ट है यार, ग्लव्स का क्या देखो यार क्या हाल हो गया, जम ही चुके हैं यार ना, ये नहीं खुलेंगे आज, इनको गर्म करना पड़ेगा पूरा, तो अभी ग्लव्स के बिना ही काम सारना पड़ेगा। और इसको स्टार्ट करते हैं और इसको साफ करते हैं, फिर ट्रेलर को भी हुक करते हैं। जितना मौसम शाइनी है ना भाई आज, उतनी ही ज़्यादा ठंड है यार, मेरे से 2 मिनट भी अंदर नहीं रुका गया हाथ फड़ के, क्योंकि ग्लव्स की तो मैंने आपको हालत दिखाई है क्या हो चुकी है, तो मैं अपने आप को गर्म कर रहा हूँ, बीच में कार में बैठ जाता हूँ, फिर से ट्रक में चल जाता हूँ, तो अभी इस को साफ करते हैं, बाद में अंदर से ट्रेलर उठाएंगे। वैसे स्नो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे लगता है कि धीरे से उतर जाएगी, क्योंकि इधर की साइड है थोड़ी सी दूसरी साइड पे है। चलो फिर इसको उतारते हैं, पहले फिर करता हूँ मैं बात आपसे। इतनी भाई धूप देखने में अच्छी लग रही है ना, इतनी है नहीं यार, सीरियसली बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो आपको पता ही होगा पिछले राउंड में हमारी जो बम्पर वाली साइड थी वो टूट गई थी, तो उसको भी डलवाना है इस राउंड में, क्योंकि मैंने अपने डिस्पैचर से तो बात कर लिया, वो बोल रहा है कि यार्ड में आ जा, तो शॉप वाले यहाँ डालना तो उन्होंने ही है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि जो पार्ट चाहिए वो आपके पास आ चुका है या नहीं आया। तो अभी भाई ट्रक भी गर्म होने लगा, काफी टाइम लेगा यार, पहले कार लगा के आते हैं, ट्रक ऑलमोस्ट ठीक है यार, और ट्रेलर उठाते हैं ना, थोड़े से ग्लव्स भी गर्म हो जाएंगे तो फिर उसको अच्छे साफ करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँ, बस इतना ही रह गया, थोड़ा बहुत ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और आज मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, जो भाई इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रैकिंग के रिलेटेड और कोई आप रील्स देखना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा जो यूजर नेम है यहाँ पर नीचे आ रहा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हो। के ट्रेलर को पता नहीं क्या हो गया यार, काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ लगता है इस ट्रेलर के साथ। तो जब भी आप हुक कर रहे हो ना, तो इसको टग टेस्ट करते रहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नीचे स्नो होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेलर और ट्रक हुक हो चुका है, पर अभी ये हुक नहीं हुआ था। ये टूटने के कारण ना यहाँ से और थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। ओ भाई साहब, स्नो हमारी लाइनों के ऊपर भी स्नो है यार। शीशे में से
धूप आती है तो पूरी गर्म लगती है, पर जो शीशा खोलते हैं तो पूरी ठंडी ठंडी लगती है यार। पानी देखो यार पूरा जम चुका है, सारियां बोतलें इधर जितनी भी बोतलें है ना सभी जम चुकी हैं मेरे पास। ये भी और ये भी पूरा पत्थर बन चुकी है। भाई हमको ये वाला ट्रेलर उठाना है जो पीछे है इसके। इस भाई ने कितनी गलती की है यार, बिल्कुल साथ में ही ट्रक लगा दिया, बिल्कुल साथ में ही ट्रेलर ड्रॉप किया है, तो हमको अभी वो निकालना है। देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो वहां से तो हमारा ट्रेलर निकल नहीं रहा था भाई, तो हमने शंटर को बोल दिया, तो अभी शंटर हमारा ट्रेलर निकाल के देगा। अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे इनके पास ना सस्पेंशन होती है, तो सस्पेंशन से ये ट्रेलर को ऊपर उठा के बाहर निकाल लेते हैं। इनको लैंडिंग गियर उठाना नहीं पड़ता ना ही उतारना पड़ता है। हाँ जी, यार्ड के अंदर पहुंच चुके हैं भैया अभी हम। तो ये हमारा पीछे यार्ड है, मौसम बहुत ही बढ़िया है आज। तो यहाँ से एक तो हमारी ग्रीस जॉब है पेंडिंग है जो, और दूसरा इसको ठीक करवाना है नीचे से, ये टूटा पड़ा है ना। तो चलो मिलता हूँ, पहले ट्रक को अंदर लगा दे, बाकी बात की बाकी रहती बात हम बाद में करते हैं। उन्होंने हमें बे बता दिया कि इस बे में हमको अंदर लगाना है ट्रक, तो उस बे में लगा दें पहले। अभी मैं हो गया हूँ फ्री, तो अभी हमने अंदर से इफ्टा स्टिकर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इफ्टा स्टिकर इस बार का 2022 का ब्लू कलर का इफ्टा स्टिकर। और ये इफ्टा स्टिकर आपके ट्रक की दोनों साइडों पर लगा होना चाहिए, और एक जो न्यूयॉर्क स्टेट का पास है वो भी हमने ले लिया, और ट्रक का बम्पर भी ठीक हो जाएगा, तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, हमको कोई डर नहीं होगा। क्योंकि रास्ते में मुझे पहले इफ्टा का रहता था कि मैंने सोचा था कि स्केल में गिर जाऊंगा यार कभी, तो अभी गिरे नहीं। आज मौसम देखो यार कितना अच्छा है, पूरा सनी वेदर है, और वैसे ही पहले जैसी आदत है इस वेदर की, पूरी ठंड होती है ऐसे वेदर में। और जो ट्रेलर है वो मैंने पीछे यार्ड में ड्रॉप कर दिया था, और ट्रक केला ही अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ वो काम कर रहे हैं हमारे ट्रक के ऊपर। हाँ जी, ट्रक ठीक हो चुका है भाई, एक घंटा लगाया इन्होंने, ग्रीस जॉब भी डन कर दी, और हमारा बम्पर भी डाल दिया। अभी मैंने बम्पर देखा नहीं क्योंकि मैं यार्ड में अंदर था ना ट्रक के, उसने बोला कि बाहर जा सकता है भाई, बम्पर डल गया, तो मैंने सोचा कि ट्रेलर के पास जाके देखते हैं कि बम्पर कैसा लग रहा है नया। तो हमने पीछे लगाया था हमारा ट्रेलर, पहले ट्रेलर को जाके हुक करते हैं भाई। फिफ्थ व्हील में ना कोई प्रॉब्लम आ रही है नीचे, जब भी मैं इसको हुक करता हूँ, और हुक होने में दो तीन बार मुझको मतलब भी जोर जोर से धक्का लगाना पड़ता है फिर हुक होता है, और जब मैं इसको अनहुक करता हूँ, जब मैं इसकी पिन को पीछे खींचता हूँ ये अपने आप अंदर चल जाती है, तो जब इसको अनहुक करते हैं तभी मेरे को दो तीन बार करना पड़ता है, जब इसको हुक करना है तभी भी मेरे को दो तीन झटके लगाने पड़ते हैं। तो अभी हमने ट्रेलर तो पहले ही चेक कर लिया था, वही ट्रेलर है जो हम इधर लेके आए हैं, वही हुक किया है अभी। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर से एक बार देख लो एयर बैगों में हवा आ गई
All good. ये बम्पर डाला है भाई इन्होंने, ये साइड फेंडर डाला है, तो ये चीज़ तो ठीक है, नई नहीं डाली, सेकेंड हैंड है, किसी और ट्रक से उतारा होगा, जो भी ट्रक ख़राब हुआ होगा पहले, तो ये भी पुराना है और ये भी पुराना है, यहाँ से थोड़ा सा ये उतरा हुआ है, पर ठीक है, काम चल सकता है हमारा, पहले से ठीक लगता है काफ़ी। और चलो भाई चलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम ख़राब कर दिया। यहाँ से हमको जाना है साउथ कैरोलिना को, 2600-2700 किलोमीटर के करीब है, और बॉर्डर हमने क्रॉस करना है कैलिस वाला, तो बॉर्डर से पीछे ही रह जाएंगे मेरे हिसाब से, बॉर्डर तो क्रॉस शायद ही हो आज, बॉर्डर क्रॉस हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो देखी जाएगी भाई। लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ से फ्यूलिंग, और सामने से उठा लिया हमने कॉफ़ी, उधर सामने एक बड़ा ट्रक स्टॉप है एयरविंग, उधर सामने बड़ा ट्रक स्टॉप है एयरविंग 24 का, और वो रहा उधर, अगर आप देख पा रहे हो तो वो रहा, उधर से उठाइए अभी हमने कॉफ़ी उठा लिया, और बाद में आया फ्यूलिंग करने। अभी हम क्रॉस कर चुके हैं मंकन को, और जो ये वाला हाईवे जाता है ना, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें एक दो मिनट में आपको ट्रैफिक देखेगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, आप देख लो सड़क पूरी सुनसान है यहाँ पर, और मैं सोच रहा था कि खा पी लें, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा शोल्डर है, मैं दिख नहीं रहा था इस साइड से दिख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा शोल्डर है इस साइड पर, और सड़क तो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर पार्क लगा लिया क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ से मैंने सोचा कि एक आधा ब्रेड बना लेते हैं, चलते चलते खा लेंगे, और बॉर्डर तो भैया आज क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर मैंने हिसाब लगाया कि जो बॉर्डर वाला, बॉर्डर के पास जो ट्रक स्टॉप आता है ना, वो 2 घंटे दूर आता है, और एक बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे जा तो सकते नहीं, हम कैनेडा में सो जाएंगे, और हमको रोटी भी उठानी है सेंट स्टीफन पे, जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ से रोटी उठानी है हमने, अभी तक मैंने रोटी नहीं उठाई, देख लो आप। एक मौसम की न्यूज़ जाती है, एक स्नो जाती है और दूसरे की रेडी हो जाती है, अभी अगले फ्राइडे की स्नो स्टॉर्म वार्निंग बता रहे हैं, मतलब इसी फ्राइडे की, और आज दिन है, आज मंगलवार है, शुक्रवार को फिर से स्नो है, पर हम तो शुक्रवार को मेरे हिसाब से होंगे साउथ कैरोलिना में, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्नो स्टॉर्म की, तो अभी हमने ट्रक पार्क लगा दिया, पीछे काफ़ी ट्रक लगे हुए हैं पार्क, और एक दो है वाइट लोड वाले, ओवरसाइज लोड है भैया, आपको एक ट्रक दिखा के लाता हूँ मैं, ये देखो स्कैनिया टाइप है, काफ़ी टाइम बाद देखा है ऐसा ट्रक, और आज की वीडियो आ भी बिट्टू, और आज की वीडियो यहाँ तक ही, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।